बहुत देर से वो थैंक यू खड़े हुए सो मच। उधर। हाँ चलो बैठो बैठो, ओम अभी स्वामी तुमको जी। आज अस्थमा के लिए, और टीबी भी किसी ने तो ठीक नहीं किया, अस्थमा, टीबी, ब्रोंकल प्रॉब्लम्स, श्वास की दिक्कतें जिनकी अच्छी हुई हैं उनको आज इंडिया टीवी पर भी उसी का प्रोग्राम ने रखा है। बहुत बड़ी समस्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जितने लोग हार्ट अटैक से मरते हैं उससे भी ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक होने से मरते हैं। सांस बंद हो गया, मर गया, और क्या लगता है, ये सांसों का ही खेल है। हाँ जी स्वामी जी ओम। ओम मैं हैदराबाद से आया हूँ। जी मेरा नाम श्रीनिवास है। जी मैं 2004 से 2004 से चार से कर मैं रहे हो, 2004 से एक फ्रेंड बोला आस्था चैनल में रामदेव बाबा का योगा आ रहा है, तुम्हारा को बच्चे नहीं हुआ ना करो बोल के। मैं जब से जोड़ा हूँ मेरा अच्छा माँ को अस्थमा था, माँ भी अच्छा हो गया। मर गए हाँ मरे ओ, आस्थमा से अस्थमा से माँ का मृत्यु हो गया। 92 में हुआ। ओ अब कोई नहीं है ना श्रीनिवास जी, अब तो मात तो चलो नहीं रहा। बहुत लोग इस बात से बड़े दुखी रहते हैं कि स्वामी जी आप पहले मिल गए होते तो हम अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने बचा बच्चों को सकता था। बचा लेते हैं। अब तो तुम तो अच्छे हो ना श्रीनिवास। मेरा जब भी आता था वो ठंडी काल आते है तो ज्यादा नहीं आता था, मालूम पड़ता था मेरा माँ को जैसा है वैसी। मैं 2004 से अभी तक योगा कर रहे, टीवी देख के पूरा योगा सीखा। हर आदमी दिखे तो उसको बोलते रहते, उसका ज्यादा पेट बढ़ गया तो मैं बोलते रहते, जिसको भी देखे उसको बोलते रहे तेरा पेट बड़ा हुआ है, योग कर। बहुत लोगों ने मेरा गाली भी दिया, मैं ऐसा छोड़ दिया। लेकिन फिर भी अपना काम चलता रहेगा। हमेशा जो आदमी दिखे तो वो बोलते रहते, मैं सुबह से शाम तक। हम परसों वो ये कोरोना का वास्ते बंद किया ना 20 मार्च में, 21 मार्च में, जब मैं वो बाथरूम साफ कर रहा रेड आर्पिक से मेरा ये पूरा लंग्स जल गया। हाँ मैं जिए तो योगा में जीना है, मरने तो मरना है, वो डॉक्टर के पास जाना नहीं। नहीं मेरा बीबी बहुत रोया, पांव पकड़े तो भी मैं नहीं गए अस्पताल, हॉस्पिटल मरे नहीं तो गए। यहाँ ही मरेंगे मगर जीते तो योग में जीतेंगे। क्या इसका हौसला है, देखो इसको हिंदी कम आता है लेकिन हिंदी भी अच्छा बोल रहे हैं श्रीनिवास जी। लेकिन इसको संकल्प कि मैं तेलुगु योग, वाला हूँ, मैं ज्यादा पढ़े नहीं हूँ, पूरा मानाड़ी हूँ मैं लेकिन तुम तो ना। बिजनेसमैन तो हो तुम। हम तो बिजनेसमैन में फायदा हूँ, बिजनेसमैन है मैं बनिया हूँ। बनिया है उधर, वैश्य वैश्य कहते वैश्य उधर वैश्य बोलते हैं हमारा, कोमती क्या, बोलते हैं हमारा एरिया में, आर्य वैश्य हो कि वो नहीं दूसरा, वो तीन नहीं तीन चार मालूम। तरह के वैश्य, कई कई इसकी भी कई शाखाएं हैं वैश्यों की। मेरा पप्पा 13 साल का, मैं 13 साल जो है सो मेरा पप्पा 79 में मर गए, माँ 92 में मर गई। लेकिन तुम 100 साल जियोगे श्रीनिवास। 100% जिएगा। मैं हाँ 4 बजे उठते हूँ, 7 बजे तक योगा करता हूँ। हर गांव में जो दिखे तो उसको बोलते रहे, अरे छोटा रामदेव बाबा आए रे, ये छोटा रामदेव बाबा है। बेजा कहते रे मत जाओ और उसका पास तुम्हारी बोलते। पत्नी को क्या हुआ? मेरा पत्नी को ये स्पाइनल कार्ड में गांठ हुआ, यहाँ से उसका स्पर्श नहीं है और नहीं चल सकता। कोई इसको भी चला देंगे, है ना? हम आके 6 दिन हो गए, अभी तो थोड़ा नींद अच्छा आ रहा है। दर्द जलनी जलनी रहता उसको हमेशा। जलन भी खत्म कर देंगे, हाँ गोखरू काढ़ा पी रहे हैं पिला रहे तो उसे गोखरू से, अवन भी स्टार्ट किया है, हवन भी स्टार्ट किया वो बालकनी में अवन, वो यहाँ तक नहीं आ सकता, बालकनी में अवन जला नहीं। के अच्छी बात है, वो बेड का पास रखते। तो अब ये रहो आप दो भी ऊपर आओ इसको श्रीनिवास, तो इसके मेरा लिए जन्म, मेरा जन्म धन्य हो गई। मैं वहां तक आने के लिए आ 16 साल जाओ से ट्राई कर रहा हूँ।
ये 16 साल से इसका मन में था कि किसी दिन मेरे को अपने गुरु के पास जाना है। मैं रामदेव बाबा जैसा पेट खींचना सोचा, मरे तक कभी भी ऐसा करना। हमारा 85 केजी था मैं, जब तक कितना वजन था 80 85, अब कितना है? हम 57 है। 57 है, 85 से 57। 16 साल से 57 ही छू मैं। आज तक मैं बहुत ज्यादा खाता, 2 किलो तक खाता, सुबह 10 बजे शाम को कम से कम ये 2 किलो फ्रूट्स खाता। मैं उससे कुछ भी नहीं लेता, 2 किलो खाता है फ्रूट। पेट भर के खाता, पेट भर के खाता, फ्रूट खाता है खाली। अच्छा, अच्छा, खराब चीज नहीं खाता। मैं कुछ भी दूसरा आइटम ही लेते नहीं, कोई भी आइटम नहीं। रोजाना 6 लीटर पानी पीते, सुबह उठते ही 1.5 लीटर पानी पीते, 2 घंटे योगा करते, फिर 1.5 लीटर पानी पीते, शाम तक और 3 लीटर पानी पीते। अरे ये ज्यादा हो गया थोड़ा, 3 लीटर 3.5 लीटर बहुत है। फिर इतना फ्रूट है तो हमारा नेचुरोपैथी में वो मंथन सत्यनारायण बोल के है, उन बताया वैसी, वो टीवी में, वो भी टीवी में देख के किया, वैसी कर रहा है मैं। नहीं, नहीं, आज तक मेरा कुछ बीमारी नहीं, 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 अच्छी बात है। फिर ज्यादा होगा ना तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, पानी ज्यादा होगा तो 3-4 लीटर बहुत है गर्मी में। आपका तो उधर सर्दी नहीं होता है। चलो आशीर्वाद। लेकिन पक्का है ये तुम्हारी पत्नी के लिए। चलो जाओ आशीर्वाद। स्वामी जी मैं जो भी होना है, हमारा तो अच्छा हूँ मैं। हम पूरा बेच के एक गुरुकुल बनाने को सोच रहा हूँ। हमारा बच्चा तो नहीं है, मैं मेरा पापा को ज्यादा इंटरेस्ट था। हमारे गांव में बोलता था हमारा, तुम्हारा पापा हमारा कहाँ बनाना है? मेरा गांव में हैदराबाद में। हैदराबाद से कितनी दूर है? 25 किलोमीटर रहता। ठीक है, तेरे गांव में गुरुकुल बना देंगे। ठीक है, अपने बच्चे नहीं है तो बाकी भी इतने बच्चे हैं, मेरे कौन से बच्चे हैं? लोग ऐसे बच्चे बिना दुखी रहते, बच्चे नहीं है। अरे बच्चे नहीं, मेरे को देख कितना खुश हूँ। अरे बच्चे वाले रोते रहते हैं। इसलिए भगवान करे आपकी शादी ना हो तो बहुत अच्छा, और हो गई तो बच्चा हो जाए तो अच्छा, और ना हो तो मेरे बहुत जैसा अच्छा। बहुत अच्छा कह रहा। ना हो तो भी अरे खुश रहो ना, इन्हीं चीजों में दुखी रहते। स्वामी जी साहब क्या खुशी है, वो 10 करोड़ 5 करोड़ कमा के दिए तो वो लोग दूसरा गांव चले गए। हमारा गांव में बहुत लोग हैं, बुढ़े लोग हैं, सब बच्चे छोड़ के चले गए, 5-5, 10-10 करोड़ बाप का लेके उड़ गए। इसके लिए इतना पालना कहीं को क्या करना है इसके लिए। ठीक है, अब आपको मैंने गोद ले लिया है। ठीक है, हाँ तुम प्रसन्न रहना, तुम्हारी पत्नी को भी अच्छा कर देंगे। पूरा सीख लिया मगर नोली, और तुम दिया नहीं आया, नोली भी सिखा। हम ऐसा कर सकते? ये उड्यान बंद तो बहुत जोरदार लगता है इसका, अब नोली भी सिखा देंगे ना। ये 85 किलो का था, अभी 55 आ गए, इससे नीचे मत आना अभी। 57 रहता हमेशा मैं, उससे ज्यादा नहीं। मैं पूरा शीर्षासन ऐसा करता हूँ। शीर्षासन कर, इधर कर, थोड़ा यहीं कर दे। कर, चलो अनुलोम विलोम करो। मैं 14 दिन सोए नहीं। क्या बोल रही? तुम शीर्षासन करो, पत्नी बोलेगी बहुत बोलता है। आदत ज्यादा सबको उपदेश देता है ना, छोटा रामदेव है। ओम स्वामी जी 20 दिन। अरे राम राम, गिरना मत। और है स्वामी जी, ओम हाँ। ओ 20 दिन इतना लंग्स खराब हो गया, एक गोली भी नहीं का, एक टैबलेट क्या भी लंग नहीं में क्या हो गया था? रेड हर्ब से बाथरूम क्लीन कर दिया, जल गया था, जल गया था। ओनली श्वासारे गोमूत्र और मैं गिलोय का काढ़ा वो सब घर में बनाया, सुबह से रात तक प्राणायाम करते रहे कुछ भी नहीं खाया 20 दिन। कभी कभी हनी वाटर। कितने दिन? 20 दिन। 20 दिन उगादि से 20 दिन, युगादि नए वर्ष से। कभी कभी मैं रोये तो हनी वाटर पिया और कुछ भी नहीं पिया। बाप लिया वो गोमूत्र, श्वासारी पिया, गोमूत्र पिया, बस टैबलेट तो नहीं लिया। सुबह से रात जला किससे? हाँ रेड हार्पिक। क्या रेड हार्पिक? रेड हार्पिक क्या होता है? रेड हार्पिक बाथरूम क्लीन करते।
टॉयलेट क्लीनर से? हाँ। वो कैसे गिर गया? वो हवा से जल जाते करते ना, वो तो नहीं मालूम, सांस से लिए तो मैं वो सांस बंद हो गई। और जो डोर बंद करके और उसमें दो ये मैं 20 मिनट तक धोते रहे, वो पूरा जल गया, सांस आ गई। समी जी ऐसा खांसता, बात करने को नहीं आता। एक सेकंड योगा करा, फिर खांस, एक सेकंड योगा कर, मर सो, योगा को छोड़ा नहीं, कपाल भाती। ये तो ईश्वर ने तो नया कर्म कांड कर दिया, तो मेरे को ही नहीं पता था ये भी कार्यक्रम होता है। फेफड़े जल गए थे और पूरा ठीक कर लिया पूरा। मैं वो स्टीम लेके, स्टीम किसका स्टीम लेता था? वो पानी में पानी उबाल के उसमें हल्दी डाल दिया, हल्दी डाल के दिव्य धारा नहीं डाला बने बोता, बोला वो नहीं मालूम है मेरे को। वो ले लिया तो 2 घंटे नींद आ गई, 14 दिन के बाद, 14 दिन के बाद सोया, बताओ। लेकिन ये देखो इरादे का पक्का है, पूरा फेफड़ा अच्छा करके आ गया। देख लेना है, हमारे देखने वाला है तो इधर दिखा। एक डॉक्टर पास तक भी नहीं गए मेरे जिंदगी में, मजबूत 16 साल से, ये तो पक्का मजबूत योगी है। चलो श्रीनिवास का अभिनंदन। इसका पत्नी भी खुश है, वो तेरा गांठ ठीक कर देंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम्हारा कितना उम्र है? 53। हाँ, लेकिन तुम्हारे को बस स्पाइन का ही प्रॉब्लम है, वैसे तो तेरे चेहरे पर बहुत खुशी है। हाँ, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। चल तो देखो, ये अनुलोम विलोम कपाल भाति योगाभ्यास पूरा करना। अभी मेरे को तो इंडिया टीवी का कार्यक्रम में जाना पड़ेगा, जिनको बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है, मल्टीपल प्रॉब्लम होता है, ऐसे तो सब हमारे वैद्य चिकित्सक बहुत समर्थ हैं, वो आपको उपचार सब प्रकार से बहुत प्रेम से दे रहे हैं। उनको मैं भी मिलता हूँ। अभी आस्था के कार्यक्रम को यहीं पर पूरा करते हैं। अभी ठीक, अभी और वोकल फॉर लोकल व आत्मनिर्भर भारत अभियान